और नीचे कर दो सभा के देवतुल जनता के हम सांसद रवि किशन शुक्ल प्रणाम करब। ये हमार भोजपुरिया माटी का बेल्ट बा और जितने भी यादव समाज के युवा लड़के हैं, जितने भी मुस्लिम समाज के बिरादरी के बच्चे हैं, युवा जो मेरे फैंस हैं, जो मोदी योगी के राम राज्य में बिलीव करते हैं कि जहां पर विकास होता है, विकास की गंगा बह रही है और उसमें घोसी अछूता ना रहे, जिस तरह गोरखपुर आज एक नजीर पेश करा पूरे भारत, उसी तरह भी मैं पूज्य महाराज जी के साथ था डेढ़ घंटे पहले, तो उनका वो कहना काल वो रहना है, जब बोले जा रहे हैं सांसद जी तो कहिएगा कि घोसी में वो सारी चीजें होंगी जो यहाँ के युवा पीढ़ी, यहाँ की बहन बेटियां, यहाँ के किसान, यहाँ के शोषित वंचित समाज जो जो चाह रहे हैं, विकास की मुख्य धारा से घोसी को जोड़ा जाएगा। और यहाँ पर मोदी जी सोची कि चुनाव लड़ रहे हैं, पूज्य योगी महाराज चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी के ऊपर आप ना सोचते हुए अगर प्रत्याशी को ना देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान है और वही जीत दिला रहा है। माहौल बहुत बढ़िया है और हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग जो विकास चाह रहे हैं, यादव समाज के बच्चे जो आज पढ़े लिखे हैं वो भाजपा की विचारधारा के साथ जुड़ गए, मुस्लिम समाज के युवा लड़के जो पढ़े लिखे हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी की विकास की धारा के साथ जुड़ चुके हैं। तो आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, घोसी की ये उपचुनाव की सीट भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। दारा सिंह जी यहाँ से जीत रहे हैं, मोदी योगी जी जीत रहे हैं, विकास की यात्रा यहाँ से निरंतर बहती रहेगी और घोसी को अभी से शुभकामनाएं। जो जो जैसे हमारे पूज्य महाराज जी काल मंच पे से वादा किए हैं वो उन्होंने आज दोबारा हमको सुबह मंदिर में भी कहा कि वो सारे वादे पूरे होंगे, घोसी ये तोहफा कमल के निशान के रूप में हम लोगों को देगा और घोसी में एक ऐतिहासिक रूप से काम होगा जैसे गोरखपुर में। शिवपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी धांधली कर सकती है चुनाव में, नहीं देखिए ये बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ये छोटी सोच ये विचारधारा, देखिए सपा के वक्त होता था, इन लोगों को लगता भाई 1980-90 का दौर चल रहा है, समय बदल गया, ये 2023 बा अभी पूरा विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम लोग चंद्रयान पे पहुंच के अभी सूर्य के उधर भी कल L1 हमारा उड़ गया है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच, पूज्य महाराज जी की सोच, डबल इंजन सरकार, हम लोग ये छोटी सोच नहीं, हम लोग ओपन गेम खेलते हैं, ये ओपन मैच है और जनता हम लोगों के साथ है, इसीलिए हम लोग ये जीत रहे हैं सीट और इस तरह से हम लोग निरंतर जीत के केंद्र में भी सरकार, लोकसभा का भी चुनाव जीतेंगे और 300 से ज्यादा सीटें लाके हम लोग केंद्र में भी अपनी। इंडिया के बारे में क्या कहें, i.in जो बना है। नहीं देखिए कल उन लोग का मुंबई में बहुत बड़ी बैठक थी, वहाँ 15 प्रधानमंत्री के रूप में लोगों के बीच में कि 15 प्रधानमंत्री रहेंगे, ये उनका अचीवमेंट है। उनसे पूछा गया कि भारत का आप क्या करेंगे, उनको नहीं मालूम भारत को आप किस दिशा में ले जाएंगे, आपको नहीं मालूम 55 साल देश ने उन लोगों को मौका दिया, उन लोगों ने वो मौका खो दिया, अब ये लोग आपस में बना दिए 26 पार्टी, उसमें 15 प्रधानमंत्री होंगे, आपस में नोचा नोची चला था के बाल चौवल केकर हुई, ये सब नहीं बात। तो ये लोग देखिए कंफ्यूज हैं, देश का करेंगे क्या, देश की दिशा में क्या होगा, ये लोग आएंगे अगर जीतना चाहते हैं, जीत रहे हैं या जीतेंगे तो देश के साथ क्या करेंगे, क्या 7.8 की जो ग्रोथ रेट हुई है, क्या हम लोग आज थर्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बोले विश्व में जो सम्मान मिला है भारत को, 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में अनाज मिल रहा है 3.5 साल से, जो आज 65 मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे हैं, जो आज पूरा सड़कों का जाल, बिजली का जाल, रोजगार, एक सम्मान, एक स्वाभिमान, हर तरीके से आज पार्लियामेंट, एक नया हाउस, मैं क्या क्या गिनवाऊं, आज फर्टिलाइजर देखिए गोरखपुर में एम्स है, आज क्या नहीं, आज वहां पर फिल्म सिटी बन गई, आज वहां पर शूटिंग, रोजगार, हम लोगों की विचारधारा विकास की है। क्या ये इंडिया कर पाएगा, ये जो भी इंडिया है आज, ये लोगों के हर शब्द के बाद एक धब्बा लगा है, एक डॉट लगा है, ये लोग अपने चरित्र को क्या धो पाएंगे, लोगों को इनके स्कैम पता है, कोलगेट स्कैम पता है, कोयला घोटाला पता है, इनके अनगिनत करीबन हजारों लाखों करोड़ के घोटाले हैं, देश उसको भूला नहीं है, इनको देश अपनाएगा नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा बनेंगे थर्ड टर्म में, तीसरी इकोनॉमी बनेगी विश्व की और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, गरीबों की पार्टी है और विकास की गंगा निरंतर। भोजपुरी के दो सुपरस्टार यहाँ मौजूद है, क्या लगता है? देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
हमनी लोगन के जहां भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसी तरह लड़ती है, एक युद्ध की तरह लड़ती हो, छोटा चुनाव हो, उपचुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, पार्षदी का चुनाव हो, हम लोगों के लिए चुनाव चुनाव होता है। मैं और हमारे भाई आया मनोज तिवारी जी, हम लोग दोनों यहाँ पर हैं और आज घोसी की जनता इंतजार कर रही है। घोसी की जनता 5 तारीख को ऐतिहासिक वो मतों से दारा सिंह चौहान जी को जिताएगी। भारतीय जनता पार्टी का कमल ऐतिहासिक रूप से घोसी में खिलेगा। हर हर महादेव।